नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हम आपको बड़ी गंभीर खबर इस समय बता दें। जम्मू कश्मीर से यह खबर है जहां के रियासी के पौनी इलाके में आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच में डबल एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पहला एनकाउंटर कठुआ के हीरानगर सेक्टर में हुआ है, सैदा सुहर गांव में हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है जबकि दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। और आतंकवाद से जुड़ी हुई ये दूसरी घटना डोडा के छतरगाल इलाके में हुई, यानी कि दो घटनाएं हुई। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू और कश्मीर में हैं। इस बस पर 9 जून को आतंकियों ने गोली चलाई जिसके बाद बचने के प्रयास में ये बस जाकर खाई में गिर गई। इसके बाद आतंकी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, कभी कठुआ में तो कभी डोडा में, जिसके पहले उसके पहले वो राजौरी पुंछ में तो एक्टिव थे ही, हमले किए। 4 दिन 4 हमले, इस तरह की हेडलाइंस लिखी गई। तो क्या है जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है यहाँ के आतंकवादियों की गोलियों में जो इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी भेद कर शरीर को लग रही हैं? ऐसा क्या है उनकी तैयारियों में कि पाकिस्तान से लगातार इन्फ्लो जारी है, लगातार इन्फिल्ट्रेशन जारी है? ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर को छोड़कर आतंकी जम्मू के इलाके में, जो पहाड़ी इलाका है, घाटी को छोड़कर पहाड़ियों में, वहाँ पर एक्टिव हो गए? वहाँ की इन दुर्गम पहाड़ियों में, वहाँ के जंगलों में लगातार कॉम्बिंग करना, रेकी करना, अटैक करना, पुलिस से सुरक्षा बलों पर सीधा अटैक करना, ग्रेनेड दागना, इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने लगे। आतंकियों की मदद कौन कर रहा है और सुरक्षा बलों की, भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारियों में कमी कहाँ है कि इस तरह की घटनाएं लगातार जारी हैं और चल ही आ रही हैं? हम इन सारी बातों के, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस फाइनल रिपोर्ट में। हम भी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं, मंत्रिमंडल जो है शपथ लेने वाला है। अचानक से खबर आ जाती है कि रियासी में कुछ हादसा हुआ है और थोड़ी देर बाद ये पता लगता है कि आतंकी घटना है, कि हिंदू तीर्थयात्री हैं जिन पर आतंकी हमला हुआ है और जो बस थी वो खाई में गिर गई। उसके बाद तो जैसी ही खबर मिली तो हम भी तुरंत वहाँ पर घटनास्थल की तरफ पहुँचे, क्योंकि क्षेत्र काफ़ी दूर है जम्मू शहर से। तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में वहाँ मौजूद थे और जो बस है जिस पर आतंकी हमला हुआ था, उस बस का जो कांच है वो सड़क पर बिखरा हुआ था। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, भारी संख्या में सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद थे और गहन तलाशी अभियान चल रहा था पूरे क्षेत्र में। और वहाँ पर जब हमने बातचीत की कुछ लोगों से तो उन्होंने बताया कि पास में ही खाई है, वहाँ बस गिरी है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था तो बस वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी टॉर्च की लाइट जो हाई बीम वाली होती है, जब वो जलाई गई तो मैंने देखा कि बस जो है काफ़ी गहरी खाई में गिरी हुई है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करके आ चुके थे और जो रानसू है, जो कि बेस कैंप है शिवखोड़ी यात्रा का, वहाँ से उन्होंने ये बस पकड़ी थी और अब ये कटरा की तरफ जा रहे थे। इनमें से कई ऐसे श्रद्धालु थे जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करना चाहते थे, क्योंकि कटरा जो है बेस कैंप है माता वैष्णो देवी की यात्रा का। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही बस थोड़ा आगे पहुंची तो अचानक से आतंकी आए और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है गोलीबारी करना शुरू कर दी। तो आतंकवादियों ने जब गोलीबारी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने जो है ड्राइवर को निशाना बनाया, जो बस चालक है उसको गोली लग गई, जिसके कारण बस चालक जो है नियंत्रण खो बैठा और बस जो है एकदम से खाई में गिर गई। और जो घायल थे जिनका उपचार चल रहा था, उन्होंने ये भी बताया कि बस जब खाई में गिरी उसके बावजूद भी आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे और 20 मिनट तक ये फायरिंग चलती रही, आतंकवादियों ने फायरिंग लगातार की। बस में कुछ लद खून में, सर ड्राइवर की तो ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी, कंडक्टर की भी, 4-5 बंदे थे जो ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी, कुछ ज़ख्मी थे। बॉडी हालत बहुत ख़राब थी क्या? बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी सर, कुछ बस के नीचे आ गए थे, कुछ शीशे में से बाहर निकले थे, कोई मतलब पेड़ों के ऊपर एक दो जो डेड बॉडी थी वो ऊपर थी।
9 जून को रियासी में हुए हमले के बाद 11 जून को इसी कठुआ के सोहाल कूटा गांव में भी हमला हुआ। आतंकवादी जंगल से आते हैं पानी मांगने, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, पानी मांगते हैं, पानी किसी से छीन के पी भी लेते हैं, लेकिन हवाई फायरिंग करते रहते हैं। फिर दोनों आतंकी 24 घंटे के अंतराल में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किए गए इनकाउंटर में मारे जाते हैं। इस घटना में सीआरपीएफ के एक जवान कबीर दास भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। पूरा घटनाक्रम कैसे अनफोल्ड हुआ, क्या सामने आया, आइए समझते हैं। यही जगह है, वहां पे ग्रेनेड फेंका था। यही इसके टुकड़े हुए, एक टांग यहां गिरी थी। अच्छा। उस दिन भी ऐसे हुआ कि अचानक से ये खबर आई कि कठुआ में कुछ फायरिंग हुई है। अब क्या फायरिंग हुई ये पहले शुरुआत में तो खबर काफी कम आती है, फिर धीरे 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 पता लगा कि कुछ वहां पर जो गांव के रहने वाले लोग हैं हीरा नगर क्षेत्र में ही, उन्होंने दो संदिग्धों को देखा था और बाद में कुछ फायरिंग की वारदात हुई। बाद में मैंने भी अपने सूत्रों से बात की तो पता लगा कि वो आतंकवादी ही थे जिन्होंने वहां पर आम लोगों से पानी मांगा, और जब आम लोग जो है उनको ये संदेह हुआ कि ये आम लोग नहीं हो सकते, ये कोई आतंकवादी हैं, तो उन्होंने जब शोर मचाया और सुरक्षा बलों को सूचित किया तो उस एवस में उन्होंने हवा में फायरिंग की आतंकवादियों ने, और लोगों ने उनको पानी देने से मना कर दिया बंद, और उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो बाद में बौखलाहट में आतंकवादियों ने वहां के कुछ स्थानीय लोगों पर भी फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति जो है घायल भी हुआ। एक यहां था, एक उसके पीछे था, कोई 20 फुट की दूरी पे, इधर ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा इसके पेड़ के थोड़ा पौधे के पीछे था वो। अच्छा, मैंने मतलब 20 फीट की दूरी पे, 20 फुट 30 फुट पे मेरी दूरी पे था, 20 फुट पे वो उसकी दूरी पे था अपने में। मैंने उनको जब देखा तो मैं समझ गया देखते ही कि ये मिलिटेंट है। ये तकरीबन आधा घंटा फायरिंग करते रहे, 10-15 पहले की, फिर 5 मिनट रेस्ट दिया, फिर 5 मिनट फिर ग्रेनेड फाड़ा, फिर की, फिर उसके बाद ठंडे हो गए वो, फिर बैठ गए शुभ के, एक इधर ही बैठ गया, एक दूसरा उधर चला गया। फिर कठुआ में पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के एक जवान कबीर दास वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही सुरक्षा बलों ने दोनों ही आतंकियों को मार गिराया। लेकिन कठुआ में बस यही नहीं हुआ, 11 जून को हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस और आर्मी अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन इसके दो दिन बाद 13 जून को घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर दूर एक महिला के घर में कुछ ऐसा घटा जो दिल दहलाने वाला था। अं उत्थे लम्मी पेदी, गुड़िया इत्थै खड़ोती दी, गुड़िया इत्थै खड़ोती ते कोई 5 मिंट होआ हा, कोई कुड़िया ने अंदर आए दे ते चिरे मी बोली मम्मा पिछें दिक्खो भला भाई कु'न ने भला आए। जेल्लै मैं इ'यां करियै जेल्लै पिछें दिक्खे ते मैं नज़र मारी ते मैं दौड़िए बाह्रे, गुड़िया भी नसी ते मी बी दौड़िए बाह्रे। उ'नें कुछ नहीं मंगेया, कुछ ना बोलिया नहीं, कुछ नहीं, इत्थै सिर्फ खड़ोते रेह साढ़े। ओह खड़ोइयै अं चली गई अपने दूसरे घर, देश जब कठुआ की खबरों से दो चार हो रहा था, उसी समय कठुआ के पास के जिले डोडा में भी आतंकियों के ग्रुप ने एक और हमला कर दिया। डोडा के चित्रगाला में जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स का एक संयुक्त चेक पॉइंट था, जिस पर 11 जून की शाम को आतंकियों ने फायरिंग की और ग्रेनेड दागा। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और पुलिस के एक SPO को गोली लगी, वो घायल हो गए। ये मुठभेड़ 12 जून की भोर तक चली, आतंकी फरार, और इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान ही पुलिस ने तमाम संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए, और अनुमान है कि आतंकी अभी भी जम्मू में खुलेआम घूम रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि जो आतंकवाद का पूरा सेटअप था वो कश्मीर से निकल के जम्मू के डिवीजन में शिफ्ट हो गया। पीर पंजाल की ऊंची घनी पहाड़ियां पार करके वो एक ऐसे जोन में आके सिमट गया जहां पे साल 2005 में नॉर्मलसी आ चुकी थी। देश के नक्शे पर जो पहले जम्मू कश्मीर था उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत आता है, और बाकी के हिस्से में है जम्मू कश्मीर, और इसमें भी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है कश्मीर, जिसे आम बोलचाल में घाटी कहा जाता है। कश्मीर घाटी की पश्चिमी दक्षिणी सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला की पीर पंजाल पहाड़ियों से लगती है। पीर पंजाल की ये पहाड़ियाँ ऊंची और नुकीली हैं, घने जंगल हैं। बरसात के दिनों में ये पहाड़ियाँ बरसाती नदियों से तो सर्दियों में बर्फ से अटी पड़ी रहती हैं।
इसी पीर पंजाल के दक्षिण में बसा है, जम्मू और पश्चिमी पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की सीमा भी यहीं लगती है। यानी ये भी कह सकते हैं कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच की एक प्राकृतिक सीमा है, और इसी जम्मू डिवीज़न में पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू, डोडा, कठुआ जैसे इलाके आते हैं जो साल 2020 से आतंकी घटनाओं के नए हब के रूप में सामने आए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इंसर्जेंसी, घुसपैठ और आतंकवाद की जड़ें अब कश्मीर में कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन जम्मू संभाग में और ज़्यादा गहरे जम चुकी हैं। इन इलाकों में साल 2020 से हमले शुरू हुए और आतंकियों ने 48 से ज़्यादा भारतीय सेना, पुलिस और CRPF के जवानों की हत्या की। कई आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। घायलों की संख्या का आप अंदाज भर ही लगा सकते हैं। और ऐसा कैसे हुआ, इसकी कहानी जाती है साल 2019 में आए राष्ट्रपति के उस निर्णय तक जिसने जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 को निष्प्रभावी साबित कर दिया था ताकि सूबे की स्थितियों में सुधार लाया जा सके। और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर जम्मू संभाग में अगर हम देखें, पिछले दो वर्षों से एक पैटर्न दिखने में आ रहा है कि जब से अनुच्छेद 370 और 35 से हटा है, आतंकवादियों का और पाकिस्तान का फोकस अब जम्मू संभाग में हो रहा है। क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है, आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि कश्मीर घाटी में स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। और अगर हम देखें कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि वहाँ पर आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, पत्थरबाजी होती थी, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, वो भी बंद हो गया क्योंकि जो अलगाववादी थे उनकी फंडिंग बंद हो गई। सरकार ने ठोस कदम उठाए जो कि काफ़ी ज़रूरी थे, और आतंक पर कड़ा प्रहार हुआ, अलगाववाद पर कड़ा प्रहार हुआ, तो पाकिस्तान और आतंकवादी बौखला गए और उन्होंने बोला कि अब उन्हें एक नया क्षेत्र चुनना है, फोकस एरिया। इसीलिए हम पिछले दो वर्षों में देख रहे हैं कि खासतौर पर जो दक्षिण क्षेत्र है पीर पंजाल का, राजौरी जिला, पुंछ जिला, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आतंकी घटनाएं काफी ज्यादा हुई हैं। तो पाकिस्तान की जब हाथ से कश्मीर की सिचुएशन निकलने लगी तो उन्होंने एक नया टैक्टिक्स स्टार्ट किया, टारगेटेड किलिंग कश्मीर में। तो उसको भी 6 महीने साल एक में JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनरेवल करके उसको, उस पर भी कंट्रोल पाया। अब पाकिस्तान को लगा पिछले 2-3 सालों से कि कश्मीर तो हाथ से निकलता जा रहा है, तो वाई नॉट ट्राई जम्मू रीजन। यहाँ जम्मू रीजन में मिक्स पॉपुलेशन है हिंदू मुस्लिम्स की, तो अगर आप हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करते हो फोर्सेस के साथ साथ, तो आप हिंदू मुस्लिम टेंशन्स पैदा कर सकते हो, जो भारत का एक फॉल्ट लाइन है। आप पूरे बैकलैश इंडिया में कर सकते हो। इसी को सोच के पाकिस्तान हमेशा 2 बार रघुनाथ बाजार मंदिर पर अटैक किया, आपने देखा राम मंदिर अयोध्या पे अटैक किया, अक्षरधाम मंदिर पे किया। यही इनकी पॉलिसी रहती है कि भारत की ये जो फॉल्ट लाइन है हिंदू मुस्लिम टेंशन्स पैदा की जाए, तो उसके लिए जम्मू सूट करता है। सो पाकिस्तान शिफ्टेड टू ए लोअर इंटेंसिटी the intensity area of security forces, and also to the minority areas where they can hit the minorities to achieve more mileage, to create communal tensions, and also to invite international attention. अगर आपने देखा होगा पहला incident 9 तारीख को हुआ रियासी में, वो दिन था जब नई government आ गई, तीसरी बार जो शिफ्ट हुआ, और उसके बाद लगातार सीरियल इंसिडेंट्स हुए कठुआ में और डोडा में भी।
जम्मू कश्मीर से यह खबर है जहां के रियासी के पौनी इलाके में आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच में डबल एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पहला एनकाउंटर कठुआ के हीरानगर सेक्टर में हुआ है, सैदा सुखाल गांव में हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है। और जम्मू में यह सब हुआ कैसे, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। भारत और पाकिस्तान आपस में दो तरह की सरहदें शेयर करते हैं। नंबर एक इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को समझते हैं। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय खींची गई ये सीमा असल में रेडक्लिफ लाइन कही जाती है। दो हिस्सों में बटी हुई, समुद्री और जमीनी। समुद्री सीमा गुजरात से शुरू होकर गुजरात के ही रन ऑफ कच्छ तक जाती है और इस कच्छ के रन से ही भारत और पाक के बीच की जमीनी सीमा शुरू होती है जो जम्मू कश्मीर तक जाती है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं यानी नियंत्रण रेखा की बात। देश के बंटवारे के समय ही इस नियंत्रण रेखा की नींव पड़ी। साल 1947 बंटवारे के कुछ समय बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए युद्ध छेड़ दिया। भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान पीछे हटा लेकिन वो दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी रेडक्लिफ लाइन से आगे भारत में घुसकर बैठा रहा। भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का फैसला लिया। 27 जुलाई 1949 को दोनों देशों ने युद्ध रोकने की संधि पर साइन किए। पाकिस्तान भारत के जितने हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ था, युद्ध रुकने के बाद उसे सीज फायर लाइन कहा गया। 1972 में शिमला और भारत पाकिस्तान की सीज फायर लाइन को कुछ बदलावों फेरबदल के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल कहने पर दोनों देश राजी हो गए। तब से लेकर अब तक इस नियंत्रण रेखा की वजह से भारत के कई हिस्से अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF करती है। भारत ने सीज फायर लाइन यानी LOC को कभी औपचारिक सीमा नहीं माना है। हमारे लिए LOC आज भी एक अग्रिम मोर्चा है, इसलिए वहां पर BSF के बजाय भारतीय सेना तैनात रहती है। अभी देखो जो टावर के आगे वाला इलाका है, जब यहाँ पे फोग से धुंध पड़ी हुई है, धुंध के आगे वाला इलाका जो एक पेड़ों की लंबी लाइन लग रही है, लाइन के आगे वाला इलाका जो पूरा पाकिस्तान का है और पेड़ों के इस तरफ जो इलाका है ये पूरा हिंदुस्तान का है। तो आप दाएं तरफ देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये उस टाइम पे मीरपुर कोटली से आने वाली जो संगत होती थी यहाँ पे बस स्टैंड होता था। अभी इसी के दाएं तरफ देखोगे वो बैंड पार रोड का बैंड नज़र आ रहा है, ये रोड कोटली के लिए जाती है। यहाँ से 35 किलोमीटर कोटली है जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान है। आप पूरा बाएं तरफ देखेंगे कि रोड जा रहा है जो दाएं से बाएं की तरफ रोड जा रहा है ये मीरपुर की तरफ जाता है, जो यहाँ से बस स्टैंड से जाता था मीरपुर के लिए, जो मीरपुर यहाँ से 29 किलोमीटर यहाँ से दूर है जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हुए और कई बार सीज फायर भी। और साल 2003 में हुए एक सीज फायर में जम्मू डिवीजन में आतंकवाद और उग्रवाद की नींव रखी जाती है। कैसे, साल 2003 भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और इसके बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कटीले तारों से बाड़ेबंदी करने का फैसला लिया। इस सीज फायर की तैयारियों के दरमियान भारतीय सेना को पता चला कि पीर पंजाल के इलाके में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आउटफिट्स ने सेफ हाउस और बंकर बना लिए हैं। वो इनका इस्तेमाल हाइड आउट के लिए करते थे यानी कार्रवाई को अंजाम देकर छुपने के लिए। साल 2003 में ही सेना ने इस साल एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम था सर्प विनाश। मकसद था कि पीर पंजाल के इलाकों में बैठ बना चुके आतंकियों को बाहर निकाला जाए। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आतंकियों के 119 हाइड आउट बरामद हुए, साथ ही 64 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने दावा किया कि उन्होंने आतंकियों को भगाकर उस इलाके में एक एंटी टेररिज्म ग्रिड स्थापित कर दिया है, यानी सुरक्षा बलों की चौकियों की एक सीरीज, एक चेन, जिनका इस्तेमाल मॉनिटर करने और जवाब देने के लिए किया जाएगा। सर्प विनाश के बाद साउथ कश्मीर के कई इलाकों में शांति हो गई, लेकिन पीर पंजाल और उसके आसपास के इलाकों में मूवमेंट होती रही और इन्हीं इलाकों में लगातार आतंकियों की मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। साल 2019 धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पीर पंजाल में लश्कर और जैश के कुछ आउटफिट फिर से एक्टिव होना शुरू हो गए। इस समय एक बड़ा शिफ्ट देखा गया। साल 2005 में जम्मू के एक बड़े हिस्से को उग्रवाद और आतंकवाद से फ्री कर दिया गया था और इधर साल 2019 में जब धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया तो राज्य के कश्मीर वाले हिस्से में शांति स्थापना के लिए ज्यादा फौज की जरूरत आन पड़ी और ठीक इसी मौके पर चीन ने भी लद्दाख के कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की।
सेना के कुछ अधिकारी नाम न छापने की शर्त पे बताते हैं कि समय भारत को अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा जम्मू संभाग से हटाकर कश्मीर की घाटी और लद्दाख में तैनात करना पड़ा ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों का सामना किया जा सके। ऐसे में जम्मू में फौज की संख्या में कमी आई जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाना शुरू किया। और आपको याद है कि 2020 में जब लद्दाख में चाइनीज इंकर्शन हुआ था तो यहाँ से एक राष्ट्रीय राइफल का फोर्स हेडक्वार्टर यूनिफॉर्म फोर्स उसको निकालकर और लद्दाख हमें भेज दिया गया था, तो उसकी वजह से भी कुछ ट्रुप्स की डेंसिटी यहाँ कम हो गई थी। उसके बाद एडिशनल फोर्सेस बोथ सीआरपीएफ एंड आर्मी हैव गॉट इंडक्टेड, बट उस समय क्योंकि फोर्सेस की कमी हो गई थी आई थिंक द टेररिस्ट फाउंड सम स्पेस टू ऑपरेट इन दिस एरिया एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड द लास्ट 2-3 इयर्स सडनली टेररिस्ट एक्टिविटीज हैव इंक्रीज। इस तरह के तीखे टेरेन और घने जंगल जो हैं वो ना सुरक्षा बलों के लिए एक चैलेंज का मुद्दा बने हुए हैं। इन पहाड़ों पे आप लगातार समतल ज़मीन जैसी कॉम्बिंग नहीं कर सकते हैं, इन पहाड़ों पे आप समतल जैसी ज़मीन जैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बैठा सकते हैं, लगातार गश्त नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो सीमा पार से घुसपैठिए आतंकवादी आते हैं वो इन्हीं हिली टेरेन्स का, इन्हीं जंगलों का सहारा लेते हैं। पास में ही LOC है, वहाँ से कभी कभी कोई लूप होल तलाशते हैं, कभी किसी नहर को किसी नाले को निशाना बनाते हैं, वहाँ से घुसपैठ करते हैं और फिर इन इलाकों में दाखिल होते हैं। और इन इलाकों में जब दाखिल हो गए तो आप उस आबादी में दाखिल हो गए जो जम्मू कश्मीर की आबादी है। उसके बाद आप कहीं भी घुसने के लिए अपनी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आप मुफीद वक्त और मुफीद जगह तलाश करते हैं, मतलब रेकी करते हैं। तो आतंकवादियों का काम करने में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है वो इस हिली टेरेन और इस जंगल का उन्हें मिलता है। जम्मू रीजन में बहुत सारे एडवांटेज थे। एडवांटेज ये थे कि यहाँ चूंकि 15 साल से हालात बेहतर थे, नॉर्मल थे, तो यहाँ बहुत सारी फोर्सेस विड्रॉ हो गई, RR यूनिट बहुत सारे विड्रॉ हो गए थे, बहुत सारे CRP जहाँ जहाँ थी विड्रॉ कर गई थी, तो चूंकि पिछले 15 साल से यहाँ नॉर्मल सी थी। दूसरा, ये सारा हिली रीजन है और कश्मीर वैली प्लेन है, तो अगर आप टेरेन देखें सबसे पहला तो वही बड़ा चैलेंज है। साउथ ऑफ पीर पंजाल जो एरिया है वही है जम्मू रीजन का, और इस एरिया में काफ़ी पहाड़ी इलाका है, लॉट्स ऑफ रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, जंगल टेरेन है, रोड्स ट्रैक्स काफ़ी लिमिटेड है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को जब ऑपरेट करना पड़ता है तो हर जगह पहुँचने के लिए टाइम लगता है। ज्योग्राफिकली इट इज वेरी वेरी वाइड स्प्रेड एज कम्पेयर टू द कश्मीर वैली। दूसरा चैलेंज है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। अगेन मैं मतलब वैली से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि एज कम्पेयर टू कश्मीर वैली जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं तो जम्मू रीजन में क्या चैलेंजेस आते हैं। और क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना ही मुश्किल है आना, और आने के लिए समय काफी लगता है। आपको मेरे पीछे पहाड़ियां दिख रही होंगी, इस पहाड़ी के पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है, उसकी पोस्टें हैं, उसकी अपनी तैनाती है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार भारतीय सेना की पोजीशनिंग है लगातार, और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार भारतीय सेना, और जब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आती है तो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF तैनात होती है। अब हम बताते हैं कि इन सारी बाउंड्रीज से पाकिस्तान घुसपैठ कैसे करता है। नंबर एक,
LOC और इंटरनेशनल बाउंड्री पे तार की गई है, तार बाड़ेबंदी की गई है, लेकिन आप देखिए पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ियों पे तार की बाड़ेबंदी करना बहुत मुश्किल काम है, तो और लगातार निगरानी करना भी, उसकी पेट्रोलिंग करना ही मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान क्या करता है, पेट्रोलिंग के आड़ में कभी कभी पेट्रोलिंग से बच बचा के कुछ तारों को काट देता है वो, और अंदर दाखिल हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ये सेना के और BSF के कुछ अधिकारियों ने हमसे शेयर किया है, वो घुस जाता है और अंदर दाखिल हो जाता है। कई कई बार सीमा पार से हैवी फायरिंग की जाती है, हैवी फायरिंग करने से ये होता है कि सेना का ध्यान और BSF का ध्यान फायरिंग पे अगर टिका है तो कुछ लोग घुसपैठ करके अंदर दाखिल हो सकते हैं, ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। एक और तरीका है, जब बारिश के दिन है, जैसे आने वाले हैं बारिश के दिन, तो पानी बहेगा तो बरसाती नदियां बनेंगी, और बरसाती नदियों में तार की बाड़ेबंदी टिकना मुश्किल काम होता है, और उस समय उस बाड़ेबंदी में उस ख़राब मौसम का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान उस जरिए भी भारत में दाखिल होने की, आतंकियों को भेजने की, घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। और बरसात के बाद आती है सर्दी, जब राजौरी पुंछ के इलाके में पीर पंजाल की रेंज में भयानक बर्फ़ पड़ा करती है, और इस बर्फ़बारी के मौसम में पेट्रोलिंग और ज़्यादा कठिन हो जाती है, और बाड़ेबंदी तो कई कई फिट की बर्फ़ में धंस तक जाती है। तो ऐसे में पाकिस्तान और इसका एडवांटेज उठाता है कि और लोगों को दाखिल कर सके, इसकी कोशिश करता है। इसके अलावा उसने एक दो तीन कोशिशें और की हैं, जैसे वो सुरंग खोदता है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर, इस तरह एक तरफ LOC, इस तरफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान LOC के नीचे से या IB के नीचे से एक सुरंग खोदेगा, सुरंग खोद के भारत में सुरंग का मुँह खुलेगा और घुसपैठी इधर से भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि कई, अब नया तरीका यह है कि उसने भारत सेना के और BSF के कई उच्च अधिकारियों पर स्नाइपिंग करने की तैयारी की है, स्नाइपिंग करने की कोशिश करता है, जैसे बड़े अधिकारी उनको स्नाइपर राइफल से मारने की कोशिश, ताकि फिर से ध्यान भटके और वो अपने लोगों को दाखिल करवा सके। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेनाएं जो हैं और BSF इन सारी कोशिशों को लगातार अनफोल्ड करने की कोशिश में लगी रहती हैं, इस पूरी सीमा की, इस पूरे रेंज की लगातार मॉनिटरिंग, लगातार निगरानी ड्रोन से पैदल पेट्रोलिंग के जरिए जारी रहती है। क्या उनका ये है देखना मौका कैसे है, मतलब ये टाइम जब संतरी का टाइम है उस टाइम उन्हें, मतलब शाम को फर्स्ट लैंड और लास्ट टाइम आना है, जब ड्यूटी शिफ्ट का चीज ड्यूटी बदली होती है जब, हाँ। उन्हें मौका देखना जब मतलब संतरी उस टाइम ढिला होता है, हाँ। क्योंकि मैंने भी घड़ी देखना अभी आ रहा मेरी बदली कब टाइम हो गया, हाँ। तो तब उन्हें मतलब देखना मौका कब मतलब मेरे से क्रॉस करना, ऊपर से जब उन्हें टंकबाद को भेजना ना हमारा क्रॉसिंग कराना है, ऊपर हाँ। से फायर कर रहे बोला फायर कर देगा, वो नीचे से क्रॉस कर देता है, नीचे से फायर नीचे से क्रॉस करवा देगा, हाँ जैसे तारा उड़ा के उनको ऐसा जरिए है वो उसको ट्रैक्टर से पाकिस्तान का वो कोशिश चाली भेजनी है, जैसे हमारा ये नदी है इधर बॉर्डर है क्योंकि पहला सिकंडा एरिया है, तो इस उन्हें कुछ से कुछ करना है, आ जाएंगे इधर तो फिर इधर से कर पहाड़ी इलाके में पहुँच जाएंगे फिर करेंगे वो। इस घुसपैठ में कई और भी लेयर हैं, जैसे पाकिस्तान के काम करने के तरीके। जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी में एक अध्याय तो वो है कि जिसमें सीमा पार के आतंकी संगठन कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को बरगला कर उनके हाथ में बंदूक थमा देते थे और ये युवा फिदाइन बन जाते थे, बिना किसी निशाने बिना किसी तैयारी के फायर करना, बम फोड़ना और सुसाइड बम से खुद को उड़ा लेना इनका काम करने का तरीका हुआ करता था। ये उग्रवादी अमूमन AK-47 राइफलें लेके चलते थे और आखिर में इन्हें सुरक्षा बलों से लड़ते हुए खुद की जान दे देनी होती थी। अधिकारी बताते हैं कि इन फिदायीन दस्तों को देखकर ही लगता था कि ये नौसिखिए लड़कों की फौज है जिन्हें बस पैसे लेकर हथियार चलाना है। लेकिन इस इंसर्जेंसी में दूसरा अध्याय उन आतंकियों का है जो शार्प हैं, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है और ट्रेनिंग होती है, वो अपने टारगेट तय करते हैं और उन्हें मार गिराने की कोशिश करते हैं। कठुआ में मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले सामानों को देखकर लगता भी है कि वो ज्यादा ट्रेंड आतंकी हैं। उनके पास अब AK-47 राइफलों की जगह अब M4 कार्बाइन राइफल्स मिलती हैं जो अमेरिका में बनाई जाती हैं। साथ ही उनके पास स्टील कोटेड कारतूस होते हैं जो बुलेट प्रूफ आर्मर को भी बेध जाते हैं।
अब घुसपैठ कर रहे लोगों के पास चने, ड्राई फ्रूट जैसे हाई कैलोरी खाने होते हैं, जिससे कई दिनों तक पहाड़ों जंगलों में टिका जा सकता है, उनका निशाना अचूक होता है। सेना से जुड़े सूत्र बताते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि वो पाकिस्तानी सेना के जवान भी हो सकते हैं, और कयास की ये हद पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स दस्ते तक भी जाती है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि फिदायीन दस्ते के विपरीत जो नई खेप है वो कई दिनों तक रेकी करती है, अटैक करती है और कोशिश करती है कार्रवाई को अंजाम देकर वो पाकिस्तान वापस भाग जाए। भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नवंबर 2023 में कहा भी था कि नए आतंकियों में पाकिस्तानी सेना के पूर्व जवान और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, कुछ के जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहां पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है, क्योंकि यहां पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहां पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म कर, उनको खत्म कर। पाकिस्तान आर्मी इज कंसर्न्ड, इट हैज बीन कंसिस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द चीफ और हु इज द डीजीआईएसआई। वी हैव बीन सीइंग कंसिस्टेंटली पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट फॉर इन्फिल्ट्रेशन। We have been seeing some level of training, जो अभी बात हो रही है कि particularly this group which is operating south of Peet Panjal, हमने देखा है कि these are not those typical fidain type attacks कि किसी army camp में घुस गए या किसी camp के ऊपर attack किया और फिर जब तक वो मरते नहीं है they keep fighting. That kind of things you don't see. You find that these people are well trained. They have been surviving in this area for so long, so obviously they have the skills and they are laying very expert ambushes in this area. So yes, certainly a higher level of training, higher level of motivation that we are seeing among these new group of terrorists who are operating south of Peet Panjal. बड़ा सवाल ये कि आतंकियों को ये हथियार और सामान मिलते कैसे हैं? इसका जवाब है ड्रोन्स। पाकिस्तान की ओर से भारत की जमीन पर दो चीजें बहुतायत में गिराई जाती हैं ड्रोन से, एक है ड्रग्स और दूसरे हैं हथियार। साल 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते समय अपने हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा वहीं छोड़ दिया था, जिसमें वो M4 कार्बाइन राइफल्स भी शामिल हैं जो आज आतंकियों के पास दिख रही हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफीम को दुनिया भर में बेचने के एवज में अफगानिस्तान से वो हथियार भी खरीद रहा है जो भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन हथियारों को ड्रोन से भारत में गिराया जाता है। इन हथियारों को जम्मू कश्मीर में मौजूद इन आतंकियों के साथी कलेक्ट कर लेते हैं। इन साथियों को फोर्सेस कहती हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs। ये OGWs अमूमन भारतीय नागरिक होते हैं जो चंद पैसों के लिए पाकिस्तान और आतंकियों की मदद करने लगते हैं। जब आतंकी भारत में घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं तो OGWs कुछ पैसों की लालच में ये हथियार आतंकियों को सौंप देते हैं। पैसे लेकर ये OGWs आतंकियों को खाना और घर भी मुहैया कराते हैं। तो ये सब संचालित कहां से होता है, पाकिस्तान इन कामों को कैसे अंजाम देता है, इसको जानने के लिए चलते हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद चकलाला। यहां पर एक बड़ा सा कैंपस है जो है पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय। यहां एक शख्स का ऑफिस है जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। वो 2022 से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। उसके पहले पाकिस्तानी आर्मी में कुछ पदों पर रहे, साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी डायरेक्टर जनरल रह चुके थे। इंडियन आर्मी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जब आसिम मुनीर ISI के DG थे तब उन्होंने साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बदले भारत पर अटैक करने का सुझाव पाकिस्तान की सेना को दिया था। ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन जब साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत ने कश्मीर और भारत की अभिन्नता सुनिश्चित की तो आसिम मुनीर के ही सुझावों पर घुसपैठ की प्लानिंग शुरू हुई। सूत्र ये भी बताते हैं कि आसिम मुनीर जब साल 2022 में सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठे तो पाकिस्तान ने घुसपैठ करने में अपने फौजियों का इस्तेमाल शुरू किया। इस पूरे खेल में अधिकारी चीन की साजिश की भी चर्चा करते हैं, जैसे आतंकियों के पास जो स्टील कोटेड कारतूस मिल रहे हैं वो चीन में बनाए जाते हैं। साल 2023 से लेकर अब तक आसिम मुनीर चीन की कई यात्राओं पर जा चुके हैं और इन यात्राओं में उनकी मीटिंग चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होती रही है। यानी जिस किस्म की मीटिंग में नेता, मंत्री और नौकरशाह किस्म के लोग जाया करते हैं, उस मीटिंग में सेना प्रमुख की मौजूदगी जरूर खटकती है, क्योंकि इस पर भरोसा करना मुश्किल है कि आसिम मुनीर चीन से व्यापार संबंधों और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने गए होंगे। अधिकारी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत जटिल है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन।
भारतीय सेना को दबाव में रखने के लिए चीन लद्दाख पर और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में गतिविधि करता रहता है और ये सब आपसी गठजोड़ से ही संभव हो रहा है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी लैप्सेस की। आतंकवादी इतने लंबे समय से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी बताते हैं कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी मौजूद हैं, यानी वो लोग जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर रहते हैं लेकिन मदद आतंकियों की करते हैं, वो पैसा लेते हैं उनसे आतंकियों की मदद करने के बदले, उनको खाना पहुंचाना, शेल्टर देना, ये सब तरीके की बात अधिकारी पत्रकार सारे बताते हैं। तो लेकिन ये लोग किसी तरीके से तो आपस में बात करते होंगे ना, कम्युनिकेट किस तरीके से तो करते होंगे, फ़ोन पे करते होंगे, इंटरनेट के ज़रिए करते होंगे, रेडियो के ज़रिए करते होंगे, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते होंगे, तरीका क्या है? लोग बताते हैं वो शॉर्ट वेव का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि शॉर्ट वेव में भी, रेडियो की शॉर्ट वेव जो होती है उसको उन्होंने अपने तरीके से ट्वीक किया है। इसके अलावा बहुत सारे लैप्सेस भी हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड है, ह्यूमन इंटेल की कमी है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, इन सब की स्थापना भी की जानी है। इन सब को समझते हैं और ये समझते हैं कि अभी सिस्टम को कहाँ इम्प्रूव किया जाना है। ये रहता है कि उसमें क्लैरिटी जब नहीं होती है तो हर एक फोर्स अपने एरिया से शिफ्ट करके दूसरे एरिया का नाम लेता है। तो जब कश्मीर में इंटेंसिटी ज़्यादा थी इंसिडेंट्स की, तब ये भी एक बात चली थी कि ये साउथ पीर पंचाल से आते हैं या पंजाब से आते हैं या नेपाल से आते हैं। अब जम्मू में हो रहा है, जम्मू रीजन में, तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और LAC भी है, तो कई बार टेंडेंसी ये रहती है कि अपने एरिया का वो कहते हैं कि जी हमारे से नहीं हुई, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज दे डोंट सी द टेररिस्ट्स। और इसी तरह ये भी एक टेंडेंसी रहती है कि नेपाल से आया है या पंजाब से आया है, कोई और बॉर्डर यूज़ किया होगा। सो वो हैव टू फिक्स दिस थिंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की इक्वल होनी चाहिए और वो हैव टू सी हाउ द बॉर्डर मैनेजमेंट कैन बी फर्दर रेगुलेटेड इन अ मैनर सो दैट इन्फिल्ट्रेशन बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल। चूंकि जम्मू कश्मीर में पुलिस, CRPF, आर्मी, BSF ये तमाम एजेंसियां साथ काम करती हैं, ऐसे में एक मुश्किल टेरेन में एक साथ काम करने की चुनौतियां क्या होती हैं ये समझते हैं। You know, over a period of time, coordination between different security forces has improved. So, let us first accept that. But it is my recommendation, and I have written about this and said this, you have to have a unified command. You can't have different groups which are reporting to different ministries. Ye bhi nahi hai ki sab Ministry of Defense ko report karte hain. So, you have some people reporting to Ministry of Home Affairs, you have the Army reporting to Ministry of Defense. And when you have people reporting to different ministries, there is obviously going to be some coordination issue. You are right. I mean, this has been a standard sort of story ki jab infiltration hota hai to army se IB sector se ho raha hai, IB sector mein BSF hai, wo bolti hai, nahi ye to line of control se ho raha hai. It would be good. I know it's difficult because yahan pe kafi apni sab turf protect karte hain. लेकिन इट वुड बी गुड इफ दे कैन बी अ यूनिफाइड कमांडर और उसका कोऑर्डिनेशन तो आई मीन विल इम्प्रूव, वो तो बेहतर होगा ही, बट यू नो यू विल बी एबल टू पिन डाउन कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कुछ गलती होती है। देन यू कैनॉट से नोबडी कैन पॉइंट फिंगर्स इन ईच अदर बिकॉज एक यूनिफाइड कमांडर है, उसकी जिम्मेवारी है। सो यू नो हु इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। दैट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, you know, when you're looking at how insurgency is to be fought and how success is to be achieved. सैन्य अधिकारी बताते हैं कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आतंकवादियों के आपसी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कैसे किया जाए, क्योंकि आतंकवादी आजकल न फोन इस्तेमाल कर रहे हैं न ही रेडियो का। उन्होंने एक नई तकनीक इजाद की है, वो ऐसे फोन्स का इस्तेमाल करते हैं कि जिन्हें बिना सिम और बिना इंटरनेट के एक्टिवेट किया जा सकता है। इन फोन्स में ऑफलाइन मैप डाले जा सकते हैं जिससे आतंकियों को जंगल में रास्ता और जगह ढूंढने में आसानी हो। डिफेंस सोर्स बताते हैं कि आतंकी इस समय YSMS नाम की इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो बिना सिम कार्ड के फोन्स को आपस में रेडियो वेव से कनेक्ट कर दिया जाता है और फोन टावर की मदद से बात की जाती है। फरवरी 2024 में आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेल टावर की संख्या में बढ़ोतरी की। कयास है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि घुसपैठ में आतंकियों को मदद मिल सके और उनके कम्युनिकेशन भी न ब्रेक हो। भारतीय सुरक्षा बलों को ऐसे मौकों पर इंटरसेप्ट करने में कठिनाई आ रही है। See, earlier, ये टेररिस्ट वर यूजिंग
सम सैटेलाइट फोन और दे वर यूजिंग मोबाइल्स, और हमारे पास टेक्नोलॉजी थी मोबाइल इंटरसेप्शन की, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी सैटेलाइट टेलीफोन्स को इंटरसेप्ट करने की। बट अभी जैसा आपने सुना ये सही है, ये अभी से नहीं, मतलब पिछले 4-5 साल से इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की है, जिससे वो मोबाइल के साथ रेडियो कंबाइन करके और एक शॉर्ट बर्स्ट में इनकोडेड मैसेजेस भेजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर बात कर रहे हैं तो आप उसकी कॉल को इंटरसेप्ट कर लो, बट वो इनकोडेड मैसेजेस एक चले जाता है, तो उनका एक सेपरेट ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क टाइप है, और इसको इंटरसेप्ट करना और इसको डिकोड करना मुश्किल है। तो उसकी वजह से भी टेक्निकल इंटेलिजेंस जो पहले हमारे पास आती थी वो आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। हालांकि टेक्नोलॉजी में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान पर बढ़त हासिल की तो है, लेकिन इंटरसेप्ट करने और एक्ट करने में समय लगता है। माना आपको अभी एक आतंकी की इंटेलिजेंस मिली तो 2 घंटे बाद वो आतंकी वहां नहीं होगा, हो सकता है उसने अपना इलाका बदल दिया हो, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए काम कठिन हो जाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फौज को उसकी पुरानी संख्या तक लेकर आया जाए, साथ ही एक बड़ी चुनौती को दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या है वो चुनौती? वो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, यानी ऐसा जाल जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। इस जाल में सुरक्षा बलों, पुलिस और आम नागरिकों का एक व्यवस्थित सिस्टम होता है। पूरे क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटकर वहां से जानकारियां जुटाई जाती हैं। इस ग्रिड का सबसे अहम हिस्सा है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी आम जनता से मिली जानकारियां। जब कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद अलगाववाद और घुसपैठ को रोका गया तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत मदद मिली, लेकिन सुरक्षा बलों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जब ह्यूमन इंट को जम्मू में स्थापित करने की बात होती है, क्योंकि कश्मीर की घनी आबादी के मुकाबले जम्मू की आबादी बहुत फैली हुई है। जम्मू में आबादी का घनत्व तो कम है, अगर जम्मू शहर को छोड़ दें तो पहाड़ियों पर बसी दूरस्थ बसाहटें छोटी छोटी हैं, 2 घर एक पहाड़ी पे तो 4 घर दूसरी पहाड़ी पे, बहुत दूर दूर हैं। इसी तरह कस्बे गाँव हैं और उस पर से जंगल और पहाड़। बारिश बर्फ का मौसम तो और चुनौतियां पैदा करता है, सैनिकों को हाथ से हाथ पकड़कर खड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसे में 100% निगरानी न सैनिक रख सकते हैं और न ही तकनीक, और लोगों से भी बात करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो दूर दूर बसे हैं, कश्मीर की तरह पास पास नहीं, घनी आबादी में तो बिल्कुल नहीं। जिस तरह से काम हो रहा है, खासतौर पर जब से ये प्रेजेंट होम मिनिस्टर आए, एक क्लियर कट डायरेक्शन है सिक्योरिटी फोर्सेज को, इंटेलिजेंस एजेंसी को भी, कि ऑपरेट करना है बिना झिझक के विद फुल अथॉरिटी, ताकि पीस और स्टेबिलिटी रहे, और जो टेररिस्ट के प्लान्स है या पाकिस्तान ऐसे के प्लान्स है उनको काउंटर किया जाए इफेक्टिवली। उसमें फ्री हैंड दिया है फोर्सेस को, और एक जो वो डिली डाली नहीं है कि कभी बात करो, कभी ट्रैक टू कर लो, कभी बैक चैनल कर लो, कभी सेपरेट्स के साथ बात करो, कभी राउंड टेबल कर लो, वो ऐसा सिलसिला नहीं है, जिससे एक बहुत बड़ी क्लियरिटी आई है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेट करने में बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिला है। नहीं तो कई बार ये भी होता था कि इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस सेक्रीफाइस देके पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में कभी फिर बातचीत हो रही है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जैसे 90 के दशक में आम जनता के साथ विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई थी, वैसी कमेटियां फिर से बनाई जाएं। इन कमेटियों में ग्राम सभा से जुड़े लोगों के हाथों में लाइसेंसी राइफलें और गोलियों के 100 राउंड दिए जाते थे ताकि ये लोग अपनी रक्षा कर सकें। बाद में आम जनता के हाथ में हथियार देने के खतरे सामने आने लगे, लिहाजा कुछ समय के लिए इन कमेटियों को रोक दिया गया। जम्मू संभाग के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हालिया हमलों को देखते हुए इन कमेटियों को फिर से शुरू किया जाए। जम्मू रीजन में बिकॉज ऑफ टेरेन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेट्रा, बट वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था, और एडवांटेज वो था कि जो लोकल कम्युनिटीज थी दे वर कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। सो नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ आउटरीच विद देम, वी हैव टू स्ट्रेंथन द लोकल विलेज डिफेंस गार्ड, पॉपुलेशन के साथ आउटरीच सो दैट ह्यूमन इंट इम्प्रूव। कुछ टाइम से एटलीस्ट द गुजर बकरवाल कम्युनिटी विच वॉज वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ द यू नो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, देर इज द सेंस ऑफ एलिनेशन थोड़ा सा हो गया है उनको, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, बिकॉज इफ लोकल सपोर्ट इज देयर देन आई एम टेलिंग यू फॉर एनी टेररिस्ट टू सर्वाइव इज वेरी डिफिकल्ट। जम्मू संभाग में हो रहे हमलों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के हाथ में है। अधिकतर इलाके हाई अलर्ट पे हैं क्योंकि घुसपैठियों और आतंकियों की बड़ी संख्या लगातार जम्मू के जंगलों और पहाड़ों में घूम रही है।
कहीं और कभी भी हमले हो सकते हैं, जिन्हें रोकने के लिए फोर्सेस डोर टू डोर सर्च और जंगल में कॉम्बिंग कर रही हैं। और इधर गृह मंत्रालय ने एकाधिक हाई लेवल मीटिंग में यह भी तय कर दिया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को पक्का करना है। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जाते हैं तो भारत की बंदूकें गरजती सुनाई देती हैं। सुरक्षा बल दावा करते हैं कि कश्मीर की तरह जम्मू को भी जल्द मुक्त करा लिया जाएगा।